back to my channel with yet another video. So in today's video, I'm going to show you the face wash that I use. So मेरी last video पे किसी ने comment किया था कि आप उस video पे वो video बनाओ जो आप face washes खुद use करते हो, उन face washes का review दीजिए. So I'm here with that video. So let's get ready. So first of all, आपको कोई भी face wash use करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका skin type क्या है. अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता होगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम ज़रूर होगी. सो पहले मैंने यही गलती की थी कि स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि मेरी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली भी थी, ड्राई भी थी, कॉम्बिनेशन भी थी, पता नहीं क्या क्या थी. तो मैं हर तरह का फेस वॉश इस्तेमाल कर लेती थी, शायद जिसकी वजह से मुझे एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी. फेस वॉशेज यूज़ करती हूँ. फर्स्ट वन इज़ दिस मामाअर्थ टी ट्री फेस वॉश विथ टी ट्री एंड नीम, और दूसरा फेस वॉश ये है सेटाफिल का. सो ये कंपैरेटिवली इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है. लाइक ये मैंने सबसे बड़ी बॉटल ले रखी है, इसका प्राइस 680 रुपीज़ है और ये वाला है 249. तो ये तो 249 का ही मिलता है. अदरवाइज अगर आप सेल पे से लेते हो इनकी खुद की वेबसाइट पे से, तो शायद आपको बाय वन गेट वन का ऑफर या कुछ और ऑफर भी मिल सकता है. तो मैं बात करूँ अगर इसकी, सो ये फॉर एक्ने एंड पिम्पल है. तो मैं इसको मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ और इसको मैं नाइट में यूज़ करती हूँ. ये वाला फेस वॉश मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था जब मैं अपनी स्किन कंसर्न को लेके उनके पास गई थी. तो ये फेस वॉश उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और ये मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती थी. तो इसका लाइक मुझे कोई अच्छा इफेक्ट भी नहीं दिखा, तो कुछ मुझे कोई बैड इफेक्ट भी नहीं दिखा. एक होता है कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपके उल्टा गलत रिजल्ट मिल रहा, तो इसने मेरे को कोई गलत रिजल्ट भी नहीं दिया. लाइक इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग सीबम, जो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल आता है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा था. तो इसलिए मैं इसको अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ. मुझे करीबन 2 साल हो चुके हैं मामाअर्थ के फेस वॉश को और मॉइस्चराइज़र को यूज़ करते हुए. मैंने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो में भी आपको मामाअर्थ का मॉइस्चराइज़र दिखाया हुआ है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर था और वो भी एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही स्पेशली डिज़ाइंड है. सो इसलिए मैंने ये वाला फेस वॉश लिया और ये लिया. मैं सेटाफिल को फर्दर नहीं यूज़ करना चाहती, बिकॉज ये क्रुएल्टी फ्री नहीं है, जो कि मैं बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करती, क्योंकि क्रुएल्टी फ्री मीन्स एनिमल पे टेस्टेड नहीं है, बट ये एनिमल पे टेस्टेड होते हैं. सो इसलिए मैं इनको प्रेफर नहीं करती जो ब्रांड्स एनिमल पे टेस्ट करते हैं. बट स्टिल ये सजेस्ट मुझे किया था तो मुझे एक ट्राई देना था कि ये एक्चुअली में रिजल्ट देता है. बट ये एक्चुअली में रिजल्ट देता भी है, ऐसी बात भी नहीं है, बिकॉज इनके अंदर केमिकल्स होते हैं. तो केमिकल्स ऑब्वियसली आपकी स्किन पे हेल्प करते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने में जो आपका स्किन कंसर्न है. तो इसलिए मैंने कोई छोटी छोटी बॉटल्स नहीं मंगाई, इसलिए मैं डायरेक्टली बड़ी बॉटल ले ली, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बॉटल्स में इन्वेस्ट करने से बेटर बड़ी बॉटल में इन्वेस्ट करना लगा. तो इसलिए मैंने डायरेक्टली अपना यही बॉटल ले लिया. सो अगर मैं दोनों फेस वॉशेस की बात करूँ, सो दोनों ही फेस वॉशेस एक्ने पिंपल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं. इस फेस वॉश की स्पेसिफिकेशन ये है, क्रुएल्टी फ्री है, सल्फेट और पैराबिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, 100% वेगन है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है. सो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो मे बी किसी किसी की स्किन पर ये सूट ना करें. सो पहले आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना, उसके बाद अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना. अदरवाइज मामाअर्थ के फेस वॉशेस में कई सारी रेंजेस हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो. लाइक उपटन वाली भी है, टर्मरिक वाली भी है, चारकोल वाली भी है और एप्पल साइडर विनेगर भी. तो काफ़ी सारी रेंजेस हैं, आप उसके अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग एक बारी ट्राई कर लेना. अगर मैं इस वाले फेस वॉश की बात करूँ तो ये क्रुएल्टी फ्री नहीं है, जो कि बिल्कुल भी प्लस पॉइंट नहीं है इसका, लेकिन ये आपके फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और पीएच बैलेंस, यानी कि आपकी स्किन का जो पीएच है, जो आपकी स्किन को लाइक एक परफेक्ट रेट चाहिए होता है कि इस हिसाब से आपकी स्किन अच्छी है बेकार है, वो ये बैलेंस करके रखता है. और आफ्टर अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो ऐसा फील नहीं होता कि आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है. ये बहुत अच्छे से मतलब आपको ऑयल रिमूव करता है, ऑयल, एक्सेस डर्ट, ये सब रिमूव करता है, लेकिन आपकी स्किन ड्राई फील नहीं होती, लाइक फ्लेकी फील नहीं होती. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है. इसका प्राइस 780 है, बट ये मुझे 680 में पड़ा है शायद, क्योंकि जो प्राइस देते हैं उससे कम ही देते हैं. ठीक है, तो ये 680 का पड़ा. अगर आप इसको नायका से भी ले सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनकी खुद की भी वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके ले सकते हो, कहीं पे भी जाओ कहीं से भी ले सकते हो, केमिस्ट शॉप पर ऑलमोस्ट अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट है इसकी मैं डायरेक्शंस बता देती हूँ आपको. क्या है कि आपको अपने हाथ पे थोड़ा सा क्लेंजर लेना है और उसको जेंटली मसाज करना है विद वाटर एंड देन पैड ड्राई करना है विद सॉफ्ट टॉवल. कभी भी अपने फेस पे जब आप फेस वॉश या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं या स्क्रब करते हैं या
एनीथिंग कुछ भी करें तो कभी भी आपको ऐसा रगड़ना नहीं है टॉवल से, क्योंकि जब भी आप रगड़ते हो ना तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपको कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक बार आप पैड ड्राई करके ही रिमूव करो। सो अगर आपको इन दोनों फेस वॉशेज में से कोई भी दो फेस वॉश इस्तेमाल करना है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लस आप अगर यहाँ से भी नॉर्मल स्टोर्स पे से जाके लाना चाहते हो तो ला सकते हो। सो दोनों ही फेस वॉश एक्ने कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे हैं, लाइक एक्ने एंड पिंपल के लिए। जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है मेरे जैसी, तो वो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, या सिर्फ ऑयली भी है तो आप इस वाले को सेटाफिल को ट्राई कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका छोटा वाला एक 280 का आता है, कोई 450 का आता है, तो प्राइस वेरिएशंस हैं इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। प्लस ये मैंने तब इस्तेमाल करना शुरू किया था जब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो अब मेरी स्किन में काफ़ी हद तक सुधार है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इसकी वजह से ही है, बाकी स्किन केयर की वजह से भी है, और डाइट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके स्किन पे। लाइक अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, लाइक अपने डाइट में आप फैटी एप्रिकॉट्स या नट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और विटामिन सी लाइक ऑरेंजेस और जितने भी फ्रूट्स होते हैं अच्छे अच्छे, वो अगर आप इंक्लूड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ग्लो आता है। तो डाइट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्किन पे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ आप प्रोडक्ट्स पे ही मत डिपेंडेंट रहो, आप अपनी डाइट को भी अच्छे से करो। So that is it for today's video. If you like this video, give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel.